बिहार में 6 सितंबर को कोरोना के 1797 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,47,658 हो गई है। बिहार में कोरोना मरीजों का रिकवरी 90% पहुंचने के कगार पर है। कोरोना मरीजों का रिकवरी 88.24% है। अभी 16,603 एक्टिव मरीज हैं। अब तक 754 लोगों की जान गई है। बिहार में कोरोना मरीजों में कमी तो आई है, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल तस्वीर किसी से छिपी नहीं है। आपको याद ही होगा वो तस्वीर जब कोरोना मरीजों को बेड नहीं मिल रहे थे, बेड था तो डॉक्टर नहीं और डॉक्टर थे तो ऑक्सीजन नहीं। हालांकि उसके बाद बिहार सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए कुछ नए कवायद जरूर किए। कोरोना मरीजों के रिकवरी रेट 88.24 और मरीजों के आंकड़े में आए कमी से अब अस्पताल में बेड खाली है। चलिए आज हम आपको बताते हैं बिहार में अस्पतालों की हालत अभी क्या है और कोरोना मरीजों को लेकर अस्पताल में क्या तस्वीर बनी हुई है। कोरोना मरीजों के गंभीर मरीजों की संख्या कम होने के कारण सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आरक्षित किए गए 100-100 बेड में अधिकांश बेड खाली पड़े हैं। साथ ही राज्य में रिकवरी रेट 88.24% होने के कारण भी मरीजों के इलाज के बाद स्वस्थ होने पर तत्काल घर वापस भेज दिया जा रहा है। हालांकि उन्हें घर पर रहकर भी सावधानियां बरतने की सलाह दी जा रही है। इन दिनों कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर अस्पतालों के 85% से अधिक बेड खाली हैं। दूसरी ओर आइसोलेशन सेंटर और क्वारंटाइन सेंटर में भी बेड व कमरे खाली हैं। आइसोलेशन सेंटर में मात्र 4% ही संक्रमित मरीज रह रहे हैं। राज्य में 278 आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं। इनमें अभी 185 आइसोलेशन सेंटर सक्रिय हैं। इनमें 54,953 बेड की व्यवस्था है, जबकि यहां मात्र 1691 संक्रमित मरीज ही इलाजरत हैं, जो कि कुल बेड क्षमता का मात्र 4% ही है। राज्य में 635 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। इनमें 548 क्वारंटाइन सेंटर सक्रिय हैं। इनमें कुल 17,536 कमरे उपलब्ध हैं। इन कमरों में संक्रमित मरीज जो क्वारंटाइन होते हैं उन्हें स्थान उपलब्ध कराया जाता है। इनमें मात्र 2291 संक्रमित मरीज ही इलाजरत हैं, जो कि कुल क्षमता का 13% है। लेकिन अभी ठहर जाइए, कहे कि माना कि कोरोना मरीज कम हुए हैं, लेकिन सावधानी अभी बहुत जरूरी है, वो भी खासकर बिहार में, क्योंकि बिहार में चुनाव भी हैं और अगर जरा सी चूक हुई तो फिर से बिहार की तस्वीर डरावनी हो सकती है।